हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। तो जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं कि ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे अपने पार्टनर को सर्च करना है, इसके ऊपर पूरी वीडियो है। वैसे तो आप नेट पर सर्च करेंगे आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे शादी.com, विवाह, मैट्रिमोनियल इंडिया, संगम और भी बहुत सी हज़ारों वेबसाइट्स बन चुकी हैं। लेकिन मैं सब वेबसाइट्स को कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको शादी.com में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे सर्चिंग करनी है पूरा प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन जो बाकी वेबसाइट है उनमें भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और सर्चिंग का प्रोसेस सेम है। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ शादी.com की और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इस मैट्रिमोनियल वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे सर्चिंग करनी है। तो आप आएंगे शादी.com पे। ये URL जो है शादी.com का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ बताया है जो कि आप आगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यूज़ करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप ऐप का यूज़ कर सकते हैं, वरना अपने ब्राउज़र में जाके आप डेस्कटॉप व्यू सेट कर लेंगे। उसके बाद जो मैं आपको विंडो दिखा रहा हूँ सेम आपके मोबाइल में इसी तरह से स्क्रीन रन होगी। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ तीन ऑप्शंस हैं, सबसे पहला साइन अप, कनेक्ट और फिर इंटरेक्ट करने का। तो यहाँ साइन अप करना होगा पहले, जिसके लिए आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे आई एम लुकिंग है और इस तरह से लेट्स बिगिन करेंगे तो भी साइन अप के पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ फील्ड्स आपको भर के दिखा देता हूँ। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये प्रोसेस भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ मैंने जैसे सारी फील्ड्स को भर लिया है, भरने के बाद जब लेट्स बिगिन करेंगे तब भी आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं या फिर आप स्क्रॉल करके यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने यही स्क्रीन आएगी। तो चलिए यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको एक अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड आप जो क्रिएट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट करना है ये जो प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, रिलेटिव, तो जो भी है आप यहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए प्रोफाइल बना रहे हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह से एक फॉर्म आएगा पॉपअप पे, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, उसके बाद आपका रिलीजन, आपकी कम्युनिटी और आप कहाँ रहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ कंट्रीज आ रही हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ साइन अप का बटन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो ऑप्शन है इसमें आपको सिंगल नेम लिखना है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे वरना एरर आती है। तो यहाँ साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन अप होने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स और भरनी होगी, जैसे अपनी प्रोफाइल पे जो अपडेशन है वही चीज़ यहाँ करनी है, जिसमें आपको बताना है कि करेंटली आप कहाँ पे रहते हैं ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं कि अलोन रहते हैं ये बताना है। आपने इससे पहले कभी शादी की है, डिवोर्स है, विडो है या अवेटिंग डिवोर्स है या एनुअल, तो जो भी आप है इसमें से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको डाइट बतानी होगी कि आप वेज है, नॉन वेज है, ओकेजनली है, वेजिटेरियन है, जैन है या वेगन है। यहाँ पे आप एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप हाइट बताएंगे, तो आपकी जो भी हाइट है वो नियर अबाउट ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको बताना होगा कि आपकी सब कम्युनिटी क्या है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपनी सब कम्युनिटी सेलेक्ट करनी होगी। क्लिक करेंगे तो आपने जो भी कम्युनिटी सेलेक्ट करी है उसी के बिहाफ से इस स्क्रीन पे आपको सब कम्युनिटी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी सब कम्युनिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने देखिए फिर इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने कर रखी है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने किस कॉलेज से कर रखी है उस कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। आप थोड़े से बाद टाइप करेंगे तो यहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के नेम, कॉलेज के नेम आ जाते हैं, उसमें से आपका जो भी नेम है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको बताना होगा कि आप वर्क कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, डिफेंस या फिर आप नॉट वर्किंग है, तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कौन सी कंपनी, कहाँ, कितनी सैलरी, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी हो। तो यहाँ पे अभी नॉट वर्किंग कर देते हैं। नॉट वर्किंग के बाद सीधे कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्मेशन करना होगा,
और यहाँ पे ऊपर अबाउट योर सेल्फ में डिस्क्रिप्शन दिया है आपकी प्रोफाइल के बारे में, जिसको आप बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है आपका उसको डालेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ क्रिएट प्रोफाइल का आपको बटन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी, वो ओटीपी आपको एंटर करनी हो। तो देखिए यहाँ क्लिक कर दिया, अब आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा जिसके ऊपर आपको ओटीपी एंटर करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुई है तो यहाँ नीचे देख सकते हैं रीसेट पिन का ऑप्शन है, आप क्लिक करके दोबारा से ओटीपी को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ एडिट का भी एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी एडिट कर सकते हैं और उसके ऊपर ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। ओटीपी देखिए वेरीफाई होती है, इस तरह से ग्रीन चेक बन जाएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है। और यहाँ आपके सामने स्क्रीन आ जाती है जिसमें आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है। प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से लगानी है उसके लिए देखिए यहाँ नीचे बताया गई है, कुछ गाइडलाइंस बताई है फोटो की, कि फेस इस तरह से होना चाहिए या हाफ फोटो या फुल फोटो होनी चाहिए, ब्लर इमेज, ग्रुप इमेज या साइड फेस नहीं लगाना है। वैसे आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन यही है कि आप इसको फॉलो करें। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक या ईमेल फोटो। और यहाँ कैमरे पे क्लिक करेंगे तभी आपका जो लैपटॉप का फोल्डर होगा, जो भी आपके डेस्कटॉप का फोल्डर है, ओपन हो जाएगा। आपने जहाँ भी इमेज को रखा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे तो देखिए इस तरह से इमेज अपलोड होने लग जाएगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 100% अपलोडिंग हो गई है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली पेज रीलोड होगा। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश या रीलोड नहीं करेंगे पेज को। तो देखिए नीचे मेंशन भी है, प्लीज वेट, डू नॉट क्लोज द ब्राउजर और प्रेस बैक बटन और दिस अपलोड मे बी स्टॉप। तो यहाँ पे आपको बस रुके रहना है, तो देखिए ऑटोमेटिकली पेज रीडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना पार्टनर किस तरह का चाहिए उसके डिस्क्रिप्शन देना है, ना कि अपने बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को सेट कर लेंगे कि आपको जो पार्टनर चाहिए उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसके मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, रिलीजन, कम्युनिटी और उसकी मदर टंग क्या होनी चाहिए। एक से ज़्यादा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा देखिए लैंग्वेज अगर आपको सेलेक्ट करनी है, आप थोड़ा सा टाइप करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लेट्स स्टार्ट का आ जाता है। तो जितने भी आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड पार्टनर्स होते हैं, जो भी आपने क्राइटेरिया सेट करा होता है, वो ऑप्शंस आपको शो होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके सारी प्रोफाइल देख सकते हैं, और भी प्रोफाइल्स आपको आगे मिल जाती हैं। नीचे आप देख सकते हैं बटन है कनेक्ट विद सेलेक्टेड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कनेक्ट विद सेलेक्टेड भी कर सकते हैं, और यहाँ ऊपर स्किप का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ आप इस पर क्लिक करके स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्किप कर दीजिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको सर्चिंग करनी है। तो यहाँ कनेक्ट विद सेलेक्टेड मत करिए, ये स्किप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने आपका पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपको कुछ पैकेज शो करे जाते हैं कि अगर आप ये पैकेज ले लेंगे जो कि 3 मंथ है, 3 मंथ के चार्ज कुछ ऑफर है, डायमंड प्लस है और प्लैटिनम है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप कोई प्लान ले लेंगे तो कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जो हिडन होती है, जिसको आपको देखने के लिए या कनेक्ट करने के लिए आपको पैकेज लेना होता है। तो स्टार्टिंग है, अभी आप कोई पैकेज मत लीजिए, अगर आपको कोई प्रोफाइल पसंद आती है तो आप फ्यूचर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है डू दिस लेटर का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस तरह से प्रोफाइल आ जाती है, थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए कुछ प्रोफाइल शो होती है जो आपके नियर बाय होती है। यहाँ पे अभी आपकी प्रोफाइल तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो और अदर पार्टनर्स हैं जो आपके जेंडर के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है योर प्रोफाइल विल बी विजिबल टू योर मैचेस 3 hours 51 minutes। तो इतनी देर के बाद आपकी जो प्रोफाइल है पूरी कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद ही वो अदर पार्टनर्स को, अदर जो भी इसमें प्रोफाइल्स, उन सबको शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक से, कि सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे है शादी। तो ये जो टाइम है इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, जिससे जो मेरी सर्चिंग है, जो मेरी प्रोफाइल है, वो बाकी लोगों को शो होने लग जाए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि टाइम पूरा हो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप तुरंत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप से और सारे ऑप्शंस को कवर करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है माय शादी। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक तरह से अपनी प्रोफाइल के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जहां आपको कोई अगर रिक्वेस्ट करेगा या कोई मैसेज करेगा तो नंबर ऑफ पेंडिंग इनविटेशंस या कह सकते हैं चैट इनिशिएट करने के लिए जो भी मैसेज आपके पास आएंगे, तो आपके यहां पेंडिंग इनविटेशंस दिख जाएंगे। आपकी प्रोफाइल पे जितने भी विजिटर विजिट करेंगे, जितने भी प्रोफाइल वाले विजिट करेंगे, उनकी रिसेंट विजिटर हिस्ट्री यहां पे क्रिएट हो जाती है। तो आपकी प्रोफाइल पे जो जो आता है आप उसको यहां से देख सकते हैं। यहां पे क्लिक करके आप फोटो को चेंज कर सकते हैं, ये प्लस के बटन पे क्लिक करके एक से ज़्यादा फोटो को ऐड कर सकते हैं, और यहां पे क्लिक करके आप इस तरह से फोटो को देख सकते हैं। आप अपने नेम को यहां से एडिट कर सकते हैं,
अगर आपको मेंबरशिप जो मैंने आगे दिखाई थी अगर लेनी है तो यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, जब आप माई शादी पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है माई प्रोफाइल का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपने अपनी बेसिक डिटेल भरी थी जैसे हाइट और ये सब, रिलीजन और बाकी चीज़ें जो पर्सनल एजुकेशनल, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है माई फ़ोटोज़ का, तो आपने जितनी भी फ़ोटोज़ अपनी अपलोड करी है इस मैट्रिमोनियल वेबसाइट में वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कई फ़ोटोज़ हैं, तो आपको अगर अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वरना यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटो को डिलीट भी कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन भी यहाँ फ़ोटो में मिल जाता है, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कर सकते हैं कि जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उन्हीं को दिखे। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी ने अपनी प्रोफाइल में सेलेक्ट कर रखा है कि सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को दिखे, अगर आपको उनकी प्रोफाइल देखनी है तो उसके लिए आपको एक पैकेज बाय करना होगा। अगर आपने प्रीमियम मेंबर्स का पैकेज बाय कर रखा है या अपग्रेड कर रखा है अपनी प्रोफाइल को, तभी आप उनकी प्रोफाइल को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पार्टनर प्रेफरेंस का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है कि आप किस तरह के पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो बस आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करके आप जो भी वर्ड लिखेंगे तो उसका सजेशन आ जाता है, आप बस क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऐड होके आ जाता है। ये सारे जो ये प्रोसेस है ये सभी में अप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ मोर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ और बेसिक डिटेल खुल जाती है कि आपको जो अपना पार्टनर चाहिए वो किस कंट्री से चाहिए, किस स्टेट से चाहिए, किस सिटी से चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इस सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको जो सजेशन शो होंगे वो इसी के बिहाफ से शो होंगे। उसके बाद यहाँ फिर से सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक सेकंड रुकेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन चेंज होती है, तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, लॉगिन जो पासवर्ड है आपके इस मैट्रिमोनियल वेबसाइट का, उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ मोर का ऑप्शन भी है जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल और जो भी नोटिफिकेशन आएंगे और जो भी आपका ऑर्डर है, जो माई ऑर्डर ऑप्शन है इसमें जो कुछ सर्विसेज होती हैं जो अपग्रेड कराएंगे वही ऑर्डर में आती है, उसी को माई ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं मैचेस का, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो आपने सर्च क्राइटेरिया फीड करा है के बिहाफ से आपको इस ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट हर रोज़ 20 सजेशन देगा। वो सजेशन में आप यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं जिसको मैंने थोड़ा सा ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उस 20 प्रोफाइल को आप जब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ नंबर ऑफ जो टूडेज मैचेस है वो कम होते रहेंगे, तो आपको इस तरह से क्लिक करके सारी प्रोफाइल को देख लेना है। नंबर ऑफ मैचेस जब सारे हट जाएंगे तो नेक्स्ट डे फिर से 20 मैचेस ऑटोमेटिकली मैट्रिमोनियल वेबसाइट आपको शो करेगा। मैच में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं जैसे न्यू मैचेस का, तो आपको जो न्यू मैचेस, न्यू सजेशंस होते हैं आपकी प्रोफाइल और आपके सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपको यहाँ पे सारे शो होते हैं, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे फिल्टर्स लगे होते हैं या फिर आपको अपनी पसंद के हिसाब से, तो इस तरह से यहाँ फिल्टर्स हैं जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टुडे मैचेस के बारे में बता चुका हूँ, फिर माय मैचेस का ऑप्शन आता है, तो आपकी प्रोफाइल आपके सर्च के हिसाब से ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस होते हैं उसको यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आपकी लोकेशन के बिहाफ से भी कुछ सजेशंस शो होते हैं, वो आप यहाँ नियर मी में क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशंस के नियर अबाउट जो भी सजेशंस होंगे वो यहाँ शो होंगे। आपने जिस प्रोफाइल पे रिसेंटली विजिट करा है वो रिसेंटली विजिट या व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मोर मैचेस देखना है तो यहाँ आप मोर मैचेस पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मैट्रिमोनियल वेबसाइट ऑटोमेटिकली कुछ और सजेशन शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है तीसरा, आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च पे क्लिक के बाद आप फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं। एक बार जो भी आप फिल्टर्स को सेट कर देंगे जब भी आप यहाँ पे आएंगे मैचेस में तो वही फिल्टर्स के बिहाफ से आपको प्रोफाइल शो होगी। एडवांस सर्च का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस सर्च भी आप यहाँ पे फीड कर देंगे। फीड करने के बाद जो भी सर्च है आप यहाँ सारी चीज़ों को अपडेट करके यहाँ सर्च पे एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन है इनबॉक्स का, आप यहाँ इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इन्विटेशंस आपको आए हैं, जैसे मैंने डैशबोर्ड में बताया था कि जो इन्विटेशंस आपको आएंगे वो आप डायरेक्ट भी यहाँ इनबॉक्स में देख सकते हैं। एक्सेप्ट आप जितने कर लेंगे वो यहाँ आपको एक्सेप्ट में दिखेगा, जितनी रिक्वेस्ट आपको आई है वो यहाँ पे दिखेगी, जितनी आपने रिक्वेस्ट सेंड करी है वो यहाँ दिखेगी, तो जो रिक्वेस्ट आपने डिलीट करी है या फिर किसी और ने डिलीट करी है वो दोनों ही रिक्वेस्ट आपको यहाँ डिलीटेड में शो होगी। उसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन आपके प्रोफाइल का है जिस पर आप क्लिक करेंगे, माय प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ पे भी आपको डैशबोर्ड, माय फोटो, प्रेफरेंस सेटिंग्स, इस पर मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ माय प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ डैशबोर्ड पे जब आएंगे तो यहाँ डैशबोर्ड में आपको
जो आपकी पेंडिंग इन्विटेशंस हैं यहाँ से और इनबॉक्स से देख सकते हैं, लेकिन जो रीसेंट विजिटर्स हैं जिन्होंने आपकी प्रोफाइल पे विजिट करा है वो आप यहीं से देख पाएंगे। जितने भी इन्विटेशंस आपको भेजे जाएंगे, जो भी चैट या आपको कनेक्ट करा जाएगा, कनेक्ट कैसे होता है ये मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो जैसे कि मैच पे क्लिक करते हैं, कोई एक प्रोफाइल को उठा लेते हैं, तो जैसे ये माय मैच का ऑप्शन है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये पहली प्रोफाइल जो दिख रही है ये कनेक्ट का ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट इस प्रोफाइल वाले के पास पहुँच जाती है। अब उस पर डिपेंड होता है वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो जिस तरह से देखिए मेरी प्रोफाइल पे इधर मैसेज शो हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने मुझसे कनेक्ट के लिए क्लिक करा है। अब यहाँ पे देखिए जब इसके ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का और डिक्लाइन का। तो अगर डिक्लाइन कर देंगे तो आप यहाँ से चैट नहीं कर पाएंगे, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप उनसे चैट भी कर सकते। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स वर्क करती हैं। सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का यही एक फंडा है और सेम प्रोसेस ये फॉलो करते। तो आप चाहे तो इसमें, क्योंकि ये बेस्ट है, ओल्ड है, आप चाहे इसमें भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, वरना आपको बहुत सारे ऑप्शन जब आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने पार्टनर को सर्च करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने कमेंट पे इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करते हैं ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जो कि आप आई बटन पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।